Hi friend, I am Murari Parashar, welcomes you in my channel. Today I will going to teach you types of chemical equations. तो कितने प्रकार के केमिकल इक्वेशंस होते हैं. तो जो सबसे पहले हम केमिकल इक्वेशंस की बात करेंगे वो इक्वेशन है कम्बिनेशन रिएक्शन. अब कम्बिनेशन, जैसे कि नाम से आपको पता लग रहा है, कम्बिनेशन यानी कि कंबाइन होगा, यानी एक कोई भी दो चीज़ ले लें, आपस में कंबाइन करें, कंबाइन करने के बाद तीसरा चीज़ बन जाता है, तो उसे बोलते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन. जैसे एग्जांपल लें, आप वुड लेते हैं, वुड को ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, वुड जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और साथ में आपका वाटर वेपर बनेगा. ठीक है, तो ये क्या कम्बिनेशन रिएक्शन है, यानी कि क्या हो गया, कार्बन किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, कार्बन कंबाइन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ में. ठीक है, सिमिलरली अब हम बात करते हैं कि अगर दूसरी बात करते हैं, दूसरा क्या है, यहाँ पे जो एग्जांपल लिया है क्विक लाइम. क्विक लाइम क्या होता है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करता है वाटर के साथ में, यानी कि CaO प्लस H2O, जब CaO, जब आपका CaO क्विक लाइम H2O के साथ में रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा, सेक्ड लाइम बनाएगा, यानी कि ये क्या होगा, CaOH स्क्वायर को ये क्या करेगा, आपको बना के देगा. ठीक है, इसका जो कलर होगा वो मिल्की होगा. इसका मतलब सिर्फ मैं समझाने की कोशिश आपको कर रहा हूँ, केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन कम्बिनेशन, कम्बिनेशन का मतलब है कंबाइन होना, यानी ये दोनों आपस में क्या हो गए, कंबाइन हो गए. ठीक है, अब जैसे देखिए यहाँ कार्बन है, ऑक्सीजन है, कार्बन ऑक्साइड दोनों आपस में क्या हुआ, कंबाइन होके इसे कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया. हाइड्रोजन, दो मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन आपस में कंबाइन हुआ, इसने क्या कर दिया, H2O बना दिया. यहाँ पे देखिए CH4 का मतलब मीथेन गैस, और रिएक्शन किसके साथ में कर रहा है, यानी कंबाइन किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में, तो कंबाइन होकर इसने क्या करा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O यानी वाटर वेपर्स इसने बना दिया. तो ये क्या है आपका, कंबिनेशन रिएक्शन. दूसरा रिएक्शन आता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन. डीकम्पोजिशन का मतलब क्या है, कंपोज यानी टूट जाना. ठीक है, एक बड़ा इक्वेशन है, कोई भी बड़ी कोई चीज़ है, वो दो पार्ट तीन पार्ट्स में टूट गया, तो उसे क्या बोलते हैं हम, डीकम्पोजिशन यानी कि टूट जाना. जैसे कि यहाँ पे क्या है, FeSO4, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट को जब मैंने हीट किया, हीट करने के बाद क्या हो गया, फेरिक ऑक्साइड बन गया, Fe2O3 आपको मिला. यहाँ पे देखिए Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, साथ में क्या होगा, सल्फर ऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड. यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये तीन चीज़ आपकी मिल गया. ठीक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और Fe यानी फेरिक ऑक्साइड, ये क्या टूट के तीन पार्ट्स में बन गया. सिमिलरली देखिए लाइमस्टोन, लाइमस्टोन को आपने हीट किया, लाइमस्टोन को हीट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, लाइमस्टोन को आपने हीट किया तो क्या मिला, क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये क्या है आपका, ये आपका जो आएगा ये क्या है, डीकम्पोजिशन. डीकम्पोजिशन का मतलब क्या है, टूट जाना, यानी कोई बड़ा इक्वेशन है, बड़ा कोई चीज़ है, वो क्या छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाना है, जिससे हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन. ठीक है, इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएगा. ठीक है, आप नेट पे सर्च कर सकते हैं. नेक्स्ट जो थर्ड टाइप का आता हुआ था, डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या है, प्लेस को चेंज करना है, डिस्प्लेस कर देना, यानी कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस में शिफ्ट हो जाना, तो उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. जैसे एग्जांपल देखिए, यहाँ पे क्या है, Fe, यहाँ पे क्या है, CuSO4, कॉपर सल्फेट. जब कॉपर सल्फेट फेरस के साथ में रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा, आयरन सल्फेट बना लेगा, फेरस सल्फेट बना लेगा और Cu को क्या कर देगा, अलग कर देगा. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे Cu क्या है, CuSO4, यहाँ पे Cu अलग हो गया, यहाँ फेरस सल्फेट यहाँ बन गया. इसका मतलब क्या है, इसने क्या करा, यहाँ पे कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, यानी कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सेकेंड अगर देखें यहाँ पे, अगर इसमें देखें जिंक है, यहाँ पे आपका जिंक है, जिंक कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कर रहा है और ये क्या कर रहा है, जिंक सल्फेट बना रहा है और कॉपर को उसने अलग कर दिया. ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. नेक्स्ट डबल डिस्प्लेस, यानी कि दोनों पोजीशन को चेंज कर देना. जैसे एग्जांपल देखिए, यहाँ पे सोडियम सल्फेट और यहाँ पे क्या है दूसरा, अगर आप सोडियम सल्फेट की बात करते हैं तो ये सोडियम सल्फेट है, ये क्या आपका बेरियम क्लोराइड. सोडियम सल्फेट जब बेरियम क्लोराइड दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, इसका मतलब क्या करेगा, बेरियम सल्फेट बना देगा और इसको सोडियम क्लोराइड बना देगा. इसका मतलब क्या हुआ, अगर देखें तो इसमें क्या होगा, तो यहाँ पे जो Na है, Na डिस्प्लेस हो गया किसके साथ, Ba के साथ में, और यहाँ पे देखिए ये क्या है रिजल्ट आपका, बेरियम सल्फेट और आपका सोडियम
क्लोराइड। तो ये आपका रिएक्शन डबल डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या है, दोनों ही चेंज हो रहा है, दोनों पोजीशन क्या कर रहा है आपस में इंटरचेंज हो गया, यानी दो बार चेंज हुआ, तो इसलिए इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्या है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अगर ऑक्सीडेशन की बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, इसमें क्या है कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। रिडक्शन क्या होता है कि अगर कॉपर सल जैसे यहाँ पे क्या COO है, तो यहाँ ऑक्सीजन को निकाल दिया, तो इसे क्या बोलते हैं रिडक्शन, यानी ऑक्सीजन को निकालना यानी रिडक्शन कहलाता है, ऑक्सीजन को ऐड करना ऑक्सीडेशन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए रिडॉक्स रिएक्शन, अगर यहाँ हम यहाँ रिडॉक्स की यानी कि सच रिएक्शंस यानी कि जिसमें दोनों हो, जिसमें रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो, उसे हम क्या बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो जैसे इस एग्जाम्पल देखिए, ये है आपका CuOH2 के साथ मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कर रहा है, जैसे आप इसको हीट करोगे दोनों को मिला के तो क्या होगा ऑक्सीडेशन, यानी कि इसका मतलब क्या है H2 के साथ O मिल जाएगा, ये क्या कहलाएगा आपका ऑक्सीडेशन, यानी कि H2O जो वाटर बना ये ऑक्सीडेशन की वजह से हुआ, और CO के अंदर ऑक्सीजन था तो CO से ऑक्सीजन निकल गया और सिर्फ Cu बचा, ये क्या बनेगा आपका, ये क्या हो गया रिडक्शन। तो इसमें क्या होगा ऑक्सीजन रिडक्शन दोनों है, इसलिए इसमें हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो ये आपका रिडॉक्स रिएक्शन कहलाता है, यानी दो इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन अगर दोनों हो तो इसे क्या बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये हमने आज पढ़ा है टाइप्स ऑफ द रिएक्शन। अगर इसमें टाइप्स ऑफ द रिएक्शन में आपको कोई डाउट है, जैसे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। ठीक है, और अगर आपको मेरा लेक्चर समझ में आता है, अगर आपको लगता है कि आपके लिए फ्रूटफुल है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस को क्लिक करें, जब भी मैं नया कोई भी वीडियो लेक्चर बनाऊंगा तो वो आपके लिए फ्रूटफुल होगा और आपके डाउट्स को क्लियर करेगा। और अगर आपको नया कोई टॉपिक पढ़ना है रिलेटेड टू आपका फिजिक्स केमिस्ट्री फॉर द IIT प्रिपरेशन, देन वी विल कमेंट ऑन माई कमेंट बॉक्स, आई विल गिव यू एश्योरेंस, I make a video on a commented topics and suggest to you, if you prefer a books and you facing a problem, then you raise a question in my comment box. Thank you and have a nice day.